myself, Dr. Abhishek Hansda. मैं यहाँ पर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची. 17 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वर्ल्ड ट्रॉमा डे. ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है वर्ल्ड ट्रॉमा डे? टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि इस ट्रॉमा से कितने डेथ्स एंड डिसेबिलिटी होते जा रही है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए. तो वही पर्पज से इस दिन को मनाया जाता है 17 अक्टूबर वर्ल्ड ट्रॉमा डे. ट्रॉमा है क्या? Trauma is any injury that is caused to any part of the body. So, ये injury कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके लिए. Leading causes obviously road traffic accidents. इसके अलावा burn, fall from height, natural disaster, और due to an act of violence, जैसे कोई blunt trauma वगैरह हो गया. So, ये जो leading cause of death है, और mortality और disability की जो leading cause है, that is road traffic accident trauma. तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में करना क्या चाहिए हमें? काफी बार जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो पेशेंट काफी ज्यादा ब्लीडिंग करने लगते हैं, ब्लीड करते हैं, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं. तो वहां पर करना क्या? द फर्स्ट थिंग इज कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एम्बुलेंस. आसपास के लोग को इकट्ठा करिए वहां पर ऐसे में और सीन को थोड़ा सेफ रखिए. जैसे गाड़ी आने आगे आने जाना हो रहा गाड़ियों का तो उसको बंद करिए, ब्लॉक करिए, सीन को थोड़ा सेफ रखिए और सब पेशेंट को बता स्पेस दीजिए और पेशेंट को असेस करिए कि वो होश में है या नहीं है, कैसे हैं या क्या हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है. कई बार अगर पेशेंट अगर होश होते हैं तो गलती क्या होती है काफी बार कि हम लोग पेशेंट को मूव करने की कोशिश करते हैं. जैसे बेहोश पड़ा हुआ है हम उसको मूव करते हैं. बेहोशी के कारण हो सकते हैं हेड इंजरी हो सकती है या फिर आपका स्पाइनल इंजरी हो सकती है. तो होता क्या है कि अगर स्पाइनल इंजरी है अगर हम उसको मूव करते हैं, गर्दन बिखाते हैं यहाँ से वहां, तो वो इंजरी और खराब हो जाएगी. अगर ऐसे लोग पानी पिला देंगे पेशेंट को तो वो पेशेंट सर जाएगा, वो जो पानी है आपके फेफड़े में चला जाएगा एंड देन पेशेंट का कंडीशन और डिटोरेट होता जाएगा. दो चीज नहीं करना है. पेशेंट अगर अनकॉन्सियस है तो मूव नहीं करना है पेशेंट को जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं आ जाती है वहां पर एंड पानी नहीं. दूसरा चीज है कि ब्लीडिंग साइट्स होते हैं काफी बार क्योंकि ब्लीडिंग करते हैं पेशेंट. तो जो साइट ऑफ ब्लीडिंग है उसको आइडेंटिफाई करिए कहाँ से ब्लीड हो रहा है. तो कोई साफ कपड़ा या फिर वॉश पैड, आसपास अगर कोई फार्मेसी की दुकान है तो वहाँ वॉश पैड लेके उस जगह पर प्रेशराइज करना है. दैट्स ऑल. उतने उससे ज्यादा आपको वहां पर नहीं करना है जब तक इमरजेंसी की टीम वहां नहीं पहुंचाती. हेलमेट तो आपको पहनना ही होगा जब भी आप टू व्हीलर चलाते हैं. तो जब अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनना इज अ मस्ट. ये दो चीज़ तो पहली चीज़ है. और जो सेफ्टी नियम कानून होते हैं अपने लेंस में चलना, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना, सिग्नल वगैरह को फॉलो करना.